नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के गुमला के चैनपुर के मालम चर्च के समीप मटर के खेत में सोए बालूमात के युवक को हाथी ने कुचला। उतरा मौत के घाट पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। गुमला जिले के जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत मालम चर्च के पीछे मटर खेत की रखवाली कर रहे बालूमात के युवक जुगेश्वर साहू के पुत्र कृष्ण कुमार साहू को जंगली हाथी ने कुचल कर बेरहमी से मार डाला। घटना सोमवार देर रात्रि की है। घटना की सूचना पर मंगलवार की सुबह पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। बताया जाता है कि युवक बालूमा थाना क्षेत्र के सगड़ा गांव का रहने वाला था और वह जमीन लीज पर लेकर मटर की खेती करता था। खेत की रखवाली करने के लिए खेत में ही तंबू लगाकर सोया था। सोमवार की देर रात अचानक जंगली हाथी खेत में प्रवेश कर गया और युवक से आमना सामना हो गया। जंगली हाथी ने मौके पर ही पटक पटक कर युवक को मार डाला। इसके बाद फसलों को रौंदते हुए जंगल की ओर चला गया। घटना की सूचना पर काफ़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। गुमला जिला ब्यूरो राजन पांडे की रिपोर्ट। रात्रि में हमें तकरीबन 1:30 बजे हमें ये सूचना मिली थी कि मालम गांव में जहां पे कुछ लोग मटर की खेती करते हैं वहां पे हाथी के द्वारा कुचलकर एक व्यक्ति की मृत्यु खारिज कर दी गई है। तो सूचना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु हम लोग सुबह में करीब 6:15 के करीब निकले यहाँ से। जब घटनास्थल पर हम पहुँचे तो हमने पाया कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था जो कि जख्मी हालत जो जिनका कि काफ़ी बुरी तरह से वो जख्मी थे। वहाँ उपस्थित लोगों से और उनके साथ जो लोग काम करते थे उनके सहकर्मी उन लोगों से पूछने पर मालूम चला कि रात में एक जंगली हाथी आया था जो संभवतः कुरुमगढ़ के क्षेत्र से आया था चैनपुर क्षेत्र में। उसी के दौड़ा उनको दौड़ा कर और जख्मी करके फिर इनकी मृत्यु कारित कर दी गई है। मारा तो हम लोग सो रहे थे, हम लोग को पता नहीं था कि गणेश देवता आए हैं। हम लोग को लगा कोई आदमी आके हमारा जैसे दारू रूपी का कोई आया हो हम लोग समझे। तब बोल तीनों जन उठे, बोले कि देखो तो कंचन कौन है। तो वो है तीनों जन हम लोग उठे तो वो लोग दोनों जन बेड से नीचे उतरा तो कंचन बाहर निकला उधर आगे साइड में। तो उसके बाद देखा जैसे उसे तो भी भागो करके भाग बोला और भाग गया वो। तो इधर से पीछे से भोला जी निकले और इधर से वो भागे तो हम अकेले रुक गए। तो जैसे बोला तो फिर हम बाहर निकले और हम भी उधर दौड़ के भाग गए। अच्छा, ये रह गए थे सो रहे? नहीं, इसको ये तो भागा था हमसे पहले लेकिन इसको पकड़ लिया। जैसे शुरू में कंचन को दौड़ाया तो कंचन को दौड़ा तो इधर से जैसे घुमा ना हाथी उधर से तो इधर से निकल गए। तो उसको छोड़ के इसको इसके ऊपर टूट पड़ा वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सकलदीप हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर रांची जिला रातू। अच्छा, तो कब से यहाँ आप लोग हैं? हम लोग यहाँ 27 सितंबर से 26 सितंबर से हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ फसल लगाए हैं मटर का। अच्छा, कितना एकड़ में है? करीब 35 एकड़ में होगा।